हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें। आसान तरीके से समझने के लिए एडजेक्टिव्स को आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल या थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जानवर या किसी जगह के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, हमें डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उनको हम लोग एडजेक्टिव्स वर्ड्स कहते हैं। अब इन वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहले है बिग हाउस। अब ये जो हाउस हमारे सामने है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे बताया गया है? बिग वर्ड लगा के, कि ये जो हाउस है ये बिग है, ये बड़ा है। तो इसमें जो ये बिग वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है रेड फ्रॉक। अब फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन से कलर की है, वो रेड कलर की है। फ्रॉक के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, फ्रॉक तो है ही वो, पर वो कौन से कलर की है? रेड कलर की है। तो रेड जो है इसमें वर्ड, वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है थ्री बैलून्स। अब ये बैलून्स जो हैं वो कितने हैं? थ्री हैं। यहाँ पे थ्री जो है वो उसको बैलून्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो थ्री वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर बॉय दिखाया गया है, पर वो बॉय कैसा है? वो एक इंटेलिजेंट बॉय है, इसीलिए इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है? इसके सामने ब्यूटीफुल वर्ड जो लगाया है वो इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। सैड चाइल्ड। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो चाइल्ड है वो कैसा है? वो सैड है। तो इसमें जो ये सैड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। सनी डे। अब डे कैसा है? सनी है, धूप निकली हुई है। तो सनी जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। राउंड टेबल। अब ये जो वर्ड है राउंड, ये इस टेबल की शेप को बता रहा है, इस करके जो ये राउंड वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव है। ये जितने भी वर्ड्स हमारे किसी भी उसके साथ, नाउन के साथ, या किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के साथ लगे हुए हैं, उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो उनके बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। अब फूड जो है वो कैसा है? हेल्दी है हमारे लिए। तो हेल्दी वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। थिन मैन। अब यहाँ जो मैन है वो क्या है? बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है, ठीक है? ये मैन के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मैन है ये थिन है। तो थिन वर्ड जो यहाँ पर क्या हैगा? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पिलो। अब पिलो कैसा है? वो सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। तो सॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ पर वो एक एडजेक्टिव है, जो पिलो के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हॉट टी। अब टी कैसी है? वो बहुत हॉट है, गर्म है। तो यहाँ पे जो हॉट वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है लाउड म्यूजिक। अब म्यूजिक कैसा है? वो बहुत ही लाउड है, बहुत ही तेज है, ठीक है? शोर है उस पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो लाउड वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है स्वीट आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का बता रहे हैं यहाँ पर टेस्ट कैसा है? स्वीट है आइसक्रीम, ठीक है? तो स्वीट वर्ड जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।